चाइना 313 टेलीस्कोप डिशेस लगा रहा है सन पर हो रहे एक्सप्लोजन को स्टडी करने के लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है, पर क्यों? सन पर तो हर रोज एक्सप्लोजन होते रहते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, लेट मी एक्सप्लेन। सन सरफेस से हाई रेडिएशन प्लाज्मा जो चार्ज पार्टिकल होते हैं और हाई मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करता है, जिसे कंबाइनली कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। जब सन की डेंसिटी में फ्लक्चुएशन होते हैं तब हाई चार्ज पार्टिकल वेव्स सोलर सिस्टम में रिलीज होते हैं। ये हाई चार्ज पार्टिकल अर्थ को हर रोज हिट करते हैं। अर्थ की एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड है जिससे एक मैग्नेटोस्फीयर बना हुआ है, तो जब ये सोलर स्टॉर्म अर्थ को हिट करता है तब ये मैग्नेटोस्फीयर उसे कई हद तक रोक लेता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। पर जब ये सोलर स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसके चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं नॉर्मल स्टॉर्म से, तो तब ये अर्थ के कुछ पार्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पूरी तरीके से शटडाउन कर सकता है, जो हुआ था 1989 में क्यूबेक में। सोलर स्टॉर्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 9 घंटे तक शटडाउन था। अभी के समय में हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर रिलाई करते हैं, तो अब अगर सोलर स्टॉर्म अर्थ को हिट करता है तो सैटेलाइट्स, जीपीएस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरा फेल कर सकता है। इससे भी भयानक, अर्थ की पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को शटडाउन कर सकता है। ऑब्वियसली इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। इससे सिर्फ यूएसए में $7.2 बिलियन का लॉस होगा पर डे। इसलिए चाइना का ये प्रोजेक्ट सोलर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा और हमें अलर्ट करेगा आने वाले सोलर स्टॉर्म से, ताकि हम प्रिकॉशंस ले सके इससे बचने के लिए।